तो देशभक्ति का जज्बा तो आपने देख लिया, लेकिन साथ ही साथ आपको कश्मीर में देश विरोधी राजनीति की तस्वीर दिखानी भी बहुत जरूरी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी की तरफदारी करते हुए कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो दोनों संगठनों से बैन हटा लिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने जमात इस्लामी, हुर्रियत और जेकेएलएफ पर कार्रवाई को भी गलत बताते हुए कहा कि ये कश्मीर को जेल में बदलने की कोशिश है। और इसके बाद पीडीपी के बड़े नेता मुजफ्फर बेग ने कहा कि उनकी पार्टी जेकेएलएफ और जमाते इस्लामी को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी मदद देने के लिए तैयार है। अलगाववादी यासीन मलिक के संगठन जेकेएलएफ और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ केंद्र सरकार ने इसी महीने कार्रवाई करते हुए दोनों पर बैन लगा दिया था। और अब आप सुन रहे हैं कि कश्मीर के नेता वहां पर किस तरह से इनकी